Assalamu alaikum. I hope you all are doing well. I'm Sayed Ezaz Ali Shah, and today I'm going to give you a lecture on kinds of criminals. सो so, uh, देखे स्टूडेंट सबसे पहले जब आप लोग uh, मतलब क्रमिनोलॉजी के स्टूडेंट हो एल एल बी के स्टूडेंट हो स्ट्रेटिजिक स्टडीज़ डिफेंस स्टडीज़ सो ये टॉपिक्स आपको uh, पढ़ने चाहिए एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स ऑफ दिज डिसिप्लिन इसके अलावा इन ए जनरल नॉलेज मतलब जो आम स्टूडेंट्स भी हो किसी और फील्ड से रिलेटेड हो नॉट स्पेसिफिकली विथ क्रमिनोलॉजी सो ये इनके लिए भी काफ़ी ज़रूरी है to know about the kinds of criminals so that topic is very important for you people so चले पढ़ते हैं कि कितने किस्में हैं criminals की so criminals की किस्में पढ़ने से पहले आ, हमें पहले पता होना चाहिए criminal का definition कि who is basically a criminal So, criminal is a man who violates the law decreed by the state to regulate relation between its citizens. So, that person is called criminal. This definition has been given by the Cesare Lombroso. You know, Cesare Lombroso is the father of modern criminology. He was the first person who inducted scientific methodologies in order to study criminology. So, this definition is quite clear that each and every person who is violating the state law, लॉ विच इज मेड बाई अट रेगुलेट द रिलेशन बिटवीन इट सिटी इन सिंपल वर्ड क्रिमिनल वही होता है जो कि एक मुल्क के स्टेट लॉ को वायलेट करता है और फिर वो एक्शन जो उसने वायलेशन की हो वो पनिशेबिल भी हो अंडर दीड ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री सो देट वुड बी कंसिडर्ड एज अ क्रिमिनल नाउ लेट स्टडी अबाउट द क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिमिनल के क्रिमिनल के कितनी किस्में हैं सो so, एक बात मैं आप लोगों को यहाँ पर क्लियर कर दू की जब भी आप एक चीज लिखना चाहे बींग स्टूडेंट ऑफ आफिक डिसिप्लिन सो so, आप उस डिसिप्लिन के जो प्रोमिनंट स्कॉलर होते हैं जो प्रोमिनंट ऑथर होते हैं जिन्होंने काम किया हुआ होता है सो so काइंडली आप उसको कोट करके लिखा करें तो वो चीज़ काफ़ी ऑथेंटिक पर बनती है इवन दो आपकी अपनी क्रिटिकल थिंकिंग भी होती है लेकिन जब आप किसी को रेफरेंस देकर उसको कोट करते हैं सो so वो काफ़ी अच्छा इम्पेक्ट उसका पड़ता है सो रूथ खेवन ही इज अ प्रोमिनंट क्रमिनोलॉजिस्ट ही वॉज ऑल्सो सोशोलॉजिस्ट तो उसने क्रिमिनल को छह कैटेगरीज में कैटेगराइज किया हुआ है सो so, आए पढ़े सेम एक बात इसको पढ़ने से पहले मैं आप लोगों को क्लियर कर दूं कि मतलब दैट इज द बेसिक रूल ऑफ लर्निंग कि जब आप एक चीज को देखते हैं पढ़ते हैं समझने की कोशिश करते हैं सो काइंडली यू मस्ट अ Ballpoint or you must have a notebook in order to write down things in so abhi hum professional criminals. Ke who are professional criminals? So a criminal who is specialist in his crime and committing crime as a permanent occupation on the desire of other people. So that person would be considered as a professional criminal. So simple sibat he her criminal joke crime ko as a permanent occupation uh, pursue pursue kartahe or wo crime karta hidro la desire

पैसे मिलते हैं या इनको मंथली सैलरी मिलती है सो दे आर प्रोफेशनल क्रिमिनल जो हजरत पे किलिंग करते है या जो प्रोफेशनल स्नैपर शूटर होते हैं अब दे आर दो पीपल हु आर किलिंग द अदर पीपल दे आर प्रोफेशनल शूटर जो कि किलिंग करते हैं दूसरे लोगों के डिजायर पे सो दीज पीपल वुड बी कंसिडर एज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल लेट मी फर्दर एलेबोरेट प्रोफेशनल क्रिमिनल बाई स्पेसिफाइंगटरिस्टिक्स वन ऑफ़ द करेक्टरिस्टिक्स ऑफ अ प्रोफेशनल क्रिमिनल क्राइम इज़ द ओनली सोर्स ऑफ हिज लाइवलीहुड मतलब ये लोग अपने आप को अपना रोजगार अपना इनकम अपना लाइफ स्टाइल वगैरह चलाने के लिए मतलब क्राइम पर ही इहसार करते हैं क्राइम ही उनका एक परमानंट पेशा होता है और इससे फिर इनकी जो सोर्स ऑफ इनकम है वो चलती है दे हैव डिवेल्प फिलासफी टू सपोर्ट हिज एक्टिविटीज़ इनकी अपनी एक फ़िलोसफी होती है इनके माइंड में होती है कि इनसे वो अपने एक्टिविटीज को प्योर सपोर्ट करते हैं इसके अलावा दे ऑपरेट्स विद प्रोफिशिएंसी एंड केयरफुली प्लान्स एंड टेक्स कैलकुलेटेड रिस्क इन हिज एक्टिविटीज जो प्रोफेशनल क्रिमिनल्स होते हैं ये फुली प्रोफिशिएंसी के साथ ऑपरेट करते हैं मतलब ये जब एक काम करते हैं एक क्राइम करते हैं तो ये मतलब इस तरह फुली प्रीमेडिएटेड एंड डेलिबरेटेड चीज होती है और इन को कमांड होता है अपने उस क्राइम पे अब मैं अब लोग एग्जांपल दू स्नैप्रो शूटर की अब दे आर फुली फुल स्किलफुल दे आर दे हैव फुली कमांड ऑन देयर स्किल टू शूट समवन और उनके लिए एक फायर ही काफ़ी होता है किसी बंदे को मारने के लिए सो दीज आर दोस्ट क्रिमिनल हु आर ऑपरेटिंग विद फुल प्रोफेशनसी एंड दे एक्वायर आल्सो स्पेशलाइज नॉलेज ग्रेजुअली अंडर द इंस्ट्रक्शन ऑफ अ पर्सन हु ऑलरेडी अचीव स्टेटस इनमिनल स्पेशलिटी ऑबियसली जब एक बंदा एक प्रोफेशनल मुजरम बनता है और प्रोफेशनली तरीके से वो काम करता है तो वो लोग अपने उस प्रोफेशन को अगर वो साइबर क्रिमिनल है अगर वो कोई स्पेशलिस्ट टारगेट किलर है स्नाइपर शूटर है और इसके अलावा कोई और क्राइम में मुलविस होता है तो वो फुली मतलब उस चीज़ की एजुकेट uh, हुए होते हैं वो किसी मास्टर किसी टीचर के सुपरविजन में और विद द पैसेज ऑफ टाइम उनका स्किल और भी स्ट्रेंथन होता जाता है uh, उनके दोस्त जो होते हैं इनकी सिक्योरिटी जो एफेक्शन प्यार और रिकॉग्निशन स्पेशली इन लोगों का सारा अंडरवर्ल्ड से आता है अंडरवर्ल्ड से मुराद मतलब द कम्युनिटी

लेट मी मैंशन सम ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ प्रोफेशनल क्रिमिनल जो कि हम देखते हैं कभी कभार हम मूवीज में भी उनको देखते हैं स्पेशली अब साइबर क्रिमिनल्स कौन होते हैं सो दे आर फुली प्रोफेशनल क्योंकि साइबर क्रिमिनलिटी हर किसी के बस के बाद नहीं किसी फिशिंग करना या किसी के अकाउंट को हैक करना बैंक अकाउंट को हैक करना मनी ट्रांसफरिंग वगैरह सो डेटा लीकेज वगैरह ये कभी कभार काफी मतलब एक मुश्किल सी चीजें होती है जो कि एक प्रोफेशनल बंदा ही कर सकता है सो साइबर क्रिमिनल्स प्रोफेशनल शूटर डेकारल्स

नेटवर्क विच इज़ कम्पोज ऑफ डिफरेंट पीपल ग्रेडेशन ऑफ लीडरशिप मतलब ये ऐसा नेटवर्क होता है जिसमें मुख्तफ लोग होते हैं अपने अपने डिजिग्नेशन के साथ और उनको कंप्लीट जो उनकी होती है उनको पावर दिया गया होता है अपने लोगों पर अपने लोकेलिटी पे कि यू हैव टू ऑपरेट ओवर दियर एंड दीज आर दीम मेम्बर्स हो आर अंडर द सुपरविजन ऑफ यू और आपको उनके साथ लेकर मतलब उनके साथ आपने इस क्रिमिनल को ऑपरेट करना है कुछ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के अगर मैं आप लोगों को एग्जांपल दे दूं तो बेगरी अब दीज आर द ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल क्योंकि बास दफ़ा जो ऑर्गेनाइज्ड बेगरी होती है वो किसी ख़ास इलाके तक महदूद नहीं रहती उनका इतना मैसिव नेटवर्क होता है कि वो मुख्तलिफ़ शहरों में होते हैं मुख्तलिफ़े में होते हैं इवन दो दे आर ऑपरेटिंग इन फुल कंट्री बाज़ों का तो वो ट्रांसनेशनल क्राइम की तरफ जाते हैं और वो बियड द बॉर्डर भी ऑपरेट करते हैं मुख्तलिफ मुल्कों में उनका नेटवर्क होता है बेगरी का सो देट इज़ ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल अब अब प्रोस्टिट्यूशन की एग्जाम्पल में अगर आपको दे दूं, सो दे आर देसो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल पूरी फैमिलीज़ उसमें ऑपरेट करती हैं। ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स जो ग्रुप होते हैं उनको इस किस्म के नामों से बुलाया जाता है माफिया हो गया अंडरवर्ल्ड मॉब सेंडिकेट वाइस गाइस इस तरह के वर्ड यूज़ होते हैं ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स के लिए लेट मी मैंशन सम करेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स ये चीज़ें ऑर्गेनाइज क्राइम में पाई जाती है हायरार्की हो गई हायरार्की से मुराद के देर आर परमेंट ग्रेडेशन ऑफ द लीडरशिप जिस तरह इनके बॉस होता है सब बॉस होता है फिर उसके अंडर काउंसलर्स लेफ्टिनेंट्स, फिर उनके अंडर टीम लीडर्स काम करते हैं सो दिस आर अ काइंड ऑफ एग्जांपल जो उनकी हर की होती है स्कोप दूसरा कैरेक्टरिस्टिक है स्कोप से पर मुराद है कि मतलब उनका स्कोप काफ़ी ब्रॉड होता है ऑर्गेनाइज क्रिमिनल का ये एक ख़ास लोकेलेटिक तक महदूद नहीं रहते ये ऑपरेट करते हैं मुल्क में पूरे मुल्क में और सम टाइम बियॉन्ड द बॉर्डर सो समाइम बियड ब्रॉडर स्कॉप इन ऑर्डर टू ऑपरेट टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स ये जो ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं ये मुख्तलि टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स यूज़ करते हैं अपने क्राइम को प्रोस्यू करने में किस तरह टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर मैं आप लोगों को बेगरी बेगर का एग्जाम्पल दे दूँ सो यू नो वेरी व्यूल आप लोगों ने भी अपने माशरे में ऑब्जर्व किया होगा जब ये लोग बीक मांगते हैं सो दे डू हैव देर ऑन टेक्निक्स वो मुख्तलिफ़ टिक से बीक मांगते हैं कभी वो सेम्पति हासिल करने के लिए बीक मांगेंगे कभी वो अपना हंगर शो करने के लिए बीक आपसे मांगेंगे आप लोगों को कन्विंस करेंगे आप लोगों को अपने बातों में वो And एंड दे डू their tactics टेक्टिक्स एंड टेक्निक्स प्रोसीट्यूशन वगैरह हो गए प्रोस्ट्यूट लोग दे have also देयर techniques। जब पुलिस उनको पकड़ती है तो फिर उनकी अपनी टेक्निक्स होती है कि उनसे अपने आप को किस तरह बचाया जा सके या उनके जो कस्टमर होते हैं so they do have and they knew about all the techniques how to deal with their customer so jo organized criminals hote hain ye apne techniques ke तहत hai, chalte hain rules regulation in the system so organized criminal के अपने rules और regulation होते हैं अपने एक system में example में आप लोगों को दिखा दूँ मतलब किस तरह rules और regulation कि ये लोग उस रूल्स की वायलेशन नहीं करते जब ये अपने उस रूल्स की वायलेशन करेंगे तो उनको फिर अपने ग्रुप की तरफ से अपने मास्टर्स की तरफ से पनिशमेंट भी मिलती है सो दे आर फुली ऑपरेटेड विद द रूल्स एंड रेगुलेशन इन अ सिस्टम जो आम सी एग्जांपल मैं आप लोगों को दे दूँ जो टीम मेम्बर्स होते हैं एक ऑर्गेनाइज गेंग में तो वो इंडिविजुअल कैपेसिटी में फिर काम नहीं कर सकते क्योंकि जो लोग उनको लाए हुए होते हैं जो कि बाई फोर्स भी हो सकता है बाई विल भी हो सकता है वो उनके अंडर ही काम करते हैं हाउ इज इट मतलब फॉर एग्जाम्पल अगर एक प्रोस्टिट्यूशन की एक फैमिली है और उसमें प्रोस्टिट्यूट पाए जाते हैं सो आ, कोई भी टूट वहाँ से बाग कर अपने इंडिविजुअल कैपेसिटी में काम स्टार्ट करना उनके लिए मुश्किल हो जाता है क्योंकि यह वायलेशन होती है उनकी सिस्टम की तो फिर उनकी जो मास्टर होती है या उनकी जो मैडम होती है जो उन्होंने उसको लाया हुआ होता है तो फिर वो उनको पनिशमेंट भी देती है उनको सज़ा भी देती है और उनको दोबारा अपने सिस्टम में लाने की कोशिश करती है सो को, सो इनके अपने रूल्स एंड रेगुलेशन होती है सो जब दीज पीपल आर वायलेटिंग द रूल्स एंड रेगुलेशन तो फिर उनको रिटेलिएशन का सामना भी करना पड़ता है कैरेक्टरिस्टिक इस डिसिप्लिन देर इज़ प्रॉपर डिसिप्लिन जो टीम मेम्बर होते हैं उनको इंडिविजुअल कैपेसिटी में जॉब भी दिया गया होता है उनका discipline किस तरह उनका अपना प्रॉपर टाइमिंग होता है कि किस टाइम आपने आना है सुबह से शाम तक या शाम से दोबारा सुबह तक वन शिफ्ट सेकेंड शिफ्ट थर्ड शिफ्ट उनको दिया गया होता है उनको अपनी एक खास लोकेलिटी दी गई होती है कि इससे इन हदूद से आपने आगे नहीं बढ़ना सो देर इज़ द प्रॉपर डिसिप्लिन इन देर जॉब एज वेल जो कि ऑर्गेनाइज क्रिमिनल्स होते हैं सब ग्रुप्स विद इन द सिस्टम दिस इज अनदर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल सब ग्रुप्स से यहाँ पर मुराद है कि एक तो पूरा ब्रॉडर लेवल पे एक नेटवर्क होता है अब सब ग्रुप से मुराद कि जो लोग मुख्तलि पोस्ट पे उनको डिजिग्नेट किया गया होता है तो हर एक लीडर के अंडर अपना एक छोटा सा ग्रुप होता है जो उसके अंडर ऑपरेट करता है सो हियर इट मीन्स के सब ग्रुप विद इन अ सिस्टम जो कि फिर अपने इंडिविजुअल फैमिली जो हो गई वो फिर ऑपरेट करते हैं और वो ऑटोमेटिक

वो क्राइम कमिट करते हैं और द जो ऑफ ट्राइम इनकी ट्रेनिंग भी होती है और आगे जाकर फिर ये लोग स्किलफुल बन जाते हैं कुछ ऑर्गेनाइज क्रिमिनल के सब टाइप्स है गैंग क्रिमिनल्स रैकेट ही और सिंडिकेट क्रिमिनल्स अब गैंग क्रिमिनल्स कौन है अब ये ऑर्गेनाइज क्रिमिनल का हिस्सा है लेकिन गैंग क्रिमिनल्स गैंग्स में पाए जाते हैं जो कि किडनैपिंग एक्सट्रोशन रॉबरी वहीकल तेफ्ट वगैरह में मुलविस रहते हैं और ये लोग वायलेंट भी होते हैं हार्डन क्रिमिनल होते हैं एंड इवन किलिंग वगैरह भी ये लोग करते हैं रैकेट हीरिंग वो होते हैं जो रैकेट्स चलाते हैं लाइक प्रोस्टिट्यूशन के रैकेट्स वगैरह भी चलाते हैं बट लुक एट द डेफिनेशन इजनज इन गैटिंग मनी इन डिसऑनेस्ट वे बाई चीटिंग पीपल गेटिंग कमोडिटीज ये वो ग्रुप होता है जो लोग को चीट करता है उनको मतलब वर्थलेस आइटम्स उन पर बेचते हैं औरिजिनल प्राइस पे और मतलब आ, माशरे में सोसाइटी में जो इलीगल गुड्स होते हैं वो उनको औरिजिनल प्राइस पे बेचते हैं ये लोग प्रोसट्यूशन गैमलिंग वगैरह में मुलविस रहते हैं सिंडिग्रेट क्रिमिनल सिंडिग्रेट क्रिमिनल्स कौन से होते हैं These criminals involve in furnishing of illegal goods and services by an organized criminal gang, often called mafia. These illegal goods can be drugs, liquors, etc., while the illegal services could be prostitution, gambling, etc. So, that is quite straightforward uh, thing regarding syndicate criminals. Log illegal बेचते हैं लाइक लिक्वज ड्रग्स वगैरह सो इस किस्म की एक्टिविटीज़ में ये लोग ऑपरेट करते हैं एंड जो सिंडिकेट क्रिमिनल्स के बारे में एक चीज़ इंपॉर्टेंट है वो ये है कि दे आर कंसिडर्ड एज अ रिस्पेक्टेबल सिटीज़न ऑफ सोसाइटी माशरे में ये काफ़ी रिस्पेक्टेबल सिटीजन कंसिडर किए जाते हैं मतलब कोई भी मतलब शरीफ नफ़्स किस्म के इंसान जब लोग उनको देखते हैं सो ये नहीं कंसिडर करते कि ये क्रिमिनल है माशरे में ये अच्छी ज़िंदगी बसर करते हैं लेकिन जब उनकी एक्टिविटीज़ होती है अपने घर में या इन्होंने जो एरियाज मुख्त किए होते हैं और जहाँ पर ये लोग ऑपरेट करते हैं तो वो लोग ऐसे चुप के मतलब शराब खाना वगैरह हो गया या ड्रग्स वगैरह हो गए ये लोग फिर ये चुप के ये काम करते हैं और ये फिर ट्रांसपोर्ट करते हैं और इसको मुख्तल इलाकों में बेचते हैं सो दीज आर सिंडिकेट क्रमिनल्स ऑर्गेइज क्रिमिनल्स इन्वॉल्व अब दी ये जो ग्रुप्स मैंने दी हुई है इसमें ऑर्गनाइज क्रिमिनल्स इन्वॉल्व होते हैं प्रोसट्यूशन गैम्बलिंग ह्यूमन ट्रैफिकिंग ड्रग ट्रैफिकिंग वगैरह बेगरी किडनीपिंग डिकॉल्टी वगैरह में इसके बाद जो हमारे साथ हैबिचुअल क्रिमिनल है द थर्ड टाइप सो हैबिचुअल क्रिमिनल मैं सिंपल से आप लोगों को बता दूं कि वो क्रिमिनल जो एक क्राइम को बार बार करता है सो ही वुड बी बीडर एज अ क्रिमिनल एक डेफिनेशन आप लोगों के सामने है न्यूयॉर्क पुलिस की सो बाई स्टूट इन सेवरल स्टेट्स वन हु इज ऑफ अ फेलोनी फेलोनी मींस अ मेजर ऑफेंस जिसकी सजा ज्यादा होती है तीन साल सात साल सजा मतलब बड़ा ऑफेंस जब एक बंदा करता है और मिस डिमिनर कहते हैं पेटी ऑफेंस को मतलब छोटी uh, मोटी चोरी करना जिसकी सजा एक महीने हो एक दिन हो uh, जेल में गुजारना सो दिस इज मिस डिमिनर सो अब डिफिनेशन को दोबारा देख ले के बाय स्टेट्यूट्स इन सेवरल स्टेटिकेड अग बिन ऑफ एनी क्राइम आर हुर

मेंटली अब नॉर्मल कौन से होते हैं बाज़ मेंटली अब नार्मल क्रिमिनल होते हैं जो कि मतलब दे आर कमिटिंग क्राइम इन इन ऑर्डर टू सेटिसफाई देयर मेंटल स्टेट और बज़ दफ़ा उनकी मेंटल स्टेट इतनी हार्श uh, होती है इतनी ज़्यादा मतलब डिप्रेस uh, कंडीशन में ये लोग होते हैं जो कि क्राइम कमिट कर जाते हैं सो मेंटली अब नार्मल दो क्रिमिनल्स हु कमिट क्राइम ड्यू टू मेंटल डिजेबिलिटी दे कमिट क्राइम टू सेटिसफाई देयर साइकोलॉजिकल नीड्स दे आर कार्ड साइकोपैथ्स सो दे आर मैंटली एब नॉर्मल जो अक्सर अब मूवीज़ वगैरह में देखते हैं जो साइकोपैथ्स होते हैं जिनके साथ बचपन में इस तरह के आम, इवेंट्स हुए होते हैं जो कि लेटर लाइफ में उनकी साइकोलॉजी को एम्पेक्ट इफेक्ट करते हैं जो उनकी साइकी को अफेक्ट करते हैं और फिर वो अपना बचपन का बदला लेने के लिए या जो इन्वायरमेंट में वो लोग पले बड़े हो उसका रिवेंज लेने के लिए फिर वो लेटर लाइफ में क्राइम कमीशन स्टार्ट कर देते हैं सो दे आर मैंटली एबनॉर्मल क्रमिनल मूवीज़ में इसकी मिसाल हमें काफ़ी अच्छी सी मिलती है जिस तरह के मुख्तलिफ मूवीज़ इन तरह मैंटली एबनॉर्मल पर बने हुए होते हैं So psychopath suffers from emotional and interpersonal problems such as being superficial, egocentric, shallow emotions, lack of empathy. So these are the essentials due to which mentally abnormal person commit a crime. So crime is the next step for a psychopath. Homicide is generally committed by a psychopath because there is somewhere in their psychology to take his emotional revenge. So now the next category of criminal given by Ruth Kavan is non-malicious criminal. So the name non-malicious. Malicious basically means uh, someone with criminal intention, with negative intention against something or against someone. So they are non-malicious. Non-malicious means that they are not having a criminal violent intention. They are sophisticated people in law-abiding citizen. Uh, just look the definition then I will explain it. It's quite simple. That they are law abiding citizen and confirm all the laws of society. But sometimes the rules which is made by an authority and its violation is not harmful to some other person and is not a violent crime. They देन दे वॉलेट दू लॉ सो इन ए सिंपल वे कि ये वो क्रिमिनल होते हैं वो ऑफेंडर होते हैं जब ये देखते हैं कि एक कानून बना हुआ है लेकिन अगर उसको तोड़ा जाए तो वो कोई वायलेंट क्राइम नहीं होता उससे किसी को इतना ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा और उनको थोड़ा बहुत फ़ायदा मिल जाएगा तो फिर वो उस कानून को तोड़ देते हैं मतलब दे आर कम्प्लीटली लॉ अबाइडिंग सिटीजन लेकिन ओनली फॉर देयर ओन कन्वीनियंस वो फिर उस लॉ की वायलेशन कर देते हैं जो कि इतना वायलेंट और आम नहीं होता। example आप देख ले, रूल. So again, मैं आपको example दे for example, एक है है, और वो रात के राइडिंग कर रहा है, अपने बाइक पे फॉर uh, एग्जांपल ट्रैफिक ऑफिसर नहीं है लेकिन रेड लाइट ऑन है और ना ही इतना ज़्यादा ट्रैफिक है तो वो समझता है कि ना ऑफिसर है ना इतना ज्यादा रश है अगर मैं इस रेड uh, लाइट जो ऑन है इसके बावजूद भी मैं अगर लाइन क्रॉस करूँ सो इट्स फाइन इट विल गिव हेल्प टू हिम इन ऑर्डर टू सेव हिज टाइम तो वो उस लॉ को तोड़ देता है तो यहाँ पर क्या होता है ना ही वो इतना वायलेंट ऑफेंस होता है ना ही वो किसी को इतना बड़ा नुकसान देता है लेकिन फिर भी लॉ की वायलेशन हो जाती है सो ही इज़ नॉन मेलिशियस क्रिमिनल यहाँ पर इवन वो ऑफेंडर बन जाता है लेकिन ही इज़ नॉन मेलिशियस ऑफेंडर उसकी इतने कोई हाई क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होते ही हैज़ जस्ट कमिटेड एन ऑफेंस एंड वायलेट दू लॉ ऑन एंड ओनली फॉर हिज ओन कन्वीनियंस सो Uh, that and these kind of uh, offender will be considered as non-malicious offender even though they are lie-abiding citizen so the last one category which ruth K1 has uh, given are those criminals who live in non-criminal world सो so, इसके अलावा कुछ और के भी ये उसमें लास्ट है कि वो क्रिमिनल क्रिमिनल जो के नॉन वर्ल्ड में रहते हैं सो दिस इंक्लूड ओकेजनल कैजुअल एंड वाइट कॉलर क्रिमिनल इस हेडिंग से साफ जाहिर है कि ये वो uh, मुजरम है वो ऑफेंडर है मतलब ये कोई जराय की दुनिया में नहीं रहते ना ही ये लोग जराइम को एज अ परमानेंट ऑकुपेसन इख्तियार करते हैं लाइक प्रोफेशनल क्रिमिनल और ऑर्गेनाइज क्रिमिनल आर लाइक हैबिचुअल क्रिमिनल नो दे आर नॉट लाइक देट लेकिन ये आ, कभी कभार इस तरह की सिचुएशन क्रिएट हो जाती है जिसकी वजह से ये लोग क्राइम कमिट कर देते हैं सो जस्ट लुक द सम ऑफ द टाइप्स आप लोगों को अंदाजा हो जाएगा ओकेजनल ओकेजनल आर दो स्पेशल रीज़न आर एक्सीडेंटली बिफोर कमिटिंग सच क्राइम देअर हिस्ट्री इज़ क्लियर फ्राम एनी सॉर्ट ऑफ क्रिमिनल बिहेवियर सो या सो ओकेजनल क्रिमिनल दोस्त क्रिमिनल जो कि एक स्पेशल रीज़न की वजह से क्राइम कमेंट कर देते हैं या एक्सीडेंटली क्राइम कमेंट कर देते हैं स्पेशल रीज़न मीन के फॉर एग्जाम्पल एक बंदा है और वो हीज लाइबाडेंस रीजन लेकिन इस तरह का कोई स्पेसिफिक वजूहत सामने आ गई फॉर एग्जाम्पल उसकी इज्जत पे बात आ गई सो so, वो अपनी इज्जत की खातिर उसने अपनी फैमिली की इज्जत की खातिर किसी को नुकसान पहुंचाया किसी को हर्ट किया किसी को इवन कत्ल कर दिया ओनली एंड ओनली टू सेव देयर ऑनर सो ये एक स्पेशल रीजन है क्योंकि ये बंदा मुजरिम नहीं था उसकी पास हिस्ट्री भी मुजरमाना नहीं थी लेकिन कोई ख़ास वजह की वजह से उसने ये क्राइम किया सो ही और शी विल बी कंसिडर एज ओकेजनल क्रिमिनल या एक्सीडेंटली क्राइम से हो जाता है फॉर एग्जांपल अगर कार एक्सीडेंट में कोई बंदा किसी को मार डाले एक्सीडेंटली इवन दो या एक्सीडेंटली भी हो सकता है कि कार एक्सीडेंट में कोई बंदा किसी को हर्ट uh, करे या अगर एक्सीडेंटल डेथ उसका हो जाए सो दे विल बी कंसिडर एज ओकेजनल ऑफेंडर example are in front of you to kill someone accidentally by gunfire or to kill or give injury to a person if that person tried to damage to his honor so this kind of offender will be considered as occasional criminal very casual hai, those who violates minor laws including local laws for his convenience So they will be considered as casual criminals and then a white-collar criminal So you have listened this name many many times white-collar criminals are those who commit crime in the course of their occupation who are high social status family belong to respectable families, sophisticated people, educated people but they do this kind of job in their occupation

So we have some other categories of uh, criminals which has been categorized by Lynn Smith and Dunham. They both are prominent criminologists as well as sociologists. And they of in criminology and they of two criminal is social criminal or individual criminal. So social criminal just like professional criminal. Look at the definition. So social criminal who is? Social criminal is one whose criminal behavior is supported and prescribed by his cultural milieu. In this Malaya, crime is customary and by committing it skillfully, he achieves status and recognition within a certain minority group. In this group, he learns to be criminal because of his association with criminals. So yeah, they are social criminals, joke unka, apna jo criminal background hota और उनकी जो फेम है रिकॉग्निशन है जो स्किल है जो सपोर्ट है जो हेल्प है वो उनकी जो पीयर ग्रुप है या उनका जो अपना ऑर्गेनाइजेशन है या ऑर्गेनाइज्ड क्रिमिनल गैंग है उनका उनसे वो आता है ही बिलोंग्स टू द वर्ल्ड ऑफ क्राइम अंडर वर्ल्ड से ताल्लुक़ है और वह इस किस्म की क्राइम करता है जहाँ से उनको कम्प्लीट सपोर्ट भी मिलता है और क्राइम कमिट करने के बाद दे अगेन ज्वाइन देयर ओन ऑर्गेनाइजेशन सो देव अं एफिलियशन विद डिफरेंट काइंड ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड देव अ लेबल एज अ प्रोफेशनल क्रिमिनल सो दिज आर सोशल क्रिमिनल जो कि फुली सपोर्टेड होते हैं और रिकोगनाइज होते हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन अपने क्रिमिनल गैंग से सो दे आर सोशल क्रिमिनल जो कि प्रोफेशनल क्रिमिनल इज वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ सोशल क्रिमिनल फिर है इंडिविजुअल क्रिमिनल ओनली फॉर हिज पर्सनल एंड्स। ही मे कमिट क्राइम अंडर स्ट्रेस ऑफ इकोनॉमिक नीड्स आर एन स्टेट ऑफ इमोशनल डिस्टर्बेंस इंडिविजुअल क्रिमिनल आर सिम्पल दोज के जिनका इतना हाई गोल नहीं होता जरा की दुनिया में कि वह बहुत ज़्यादा पैसे कमाए या बहुत एक स्टैंडर्ड तक पहुंचे नो दे दो क्रिमिनल जो कि अपनी इंडिविजुअल कैपेसिटी में अपनी फैमिली की जरूरतियात के लिए अपनी भूख मिटाने के लिए अपना सोर्स ऑफ इनकम चलाने के लिए वो छोटे बहुत क्राइम कर देते हैं सो दे आर इंडिविजुअल क्रिमिनल्स इसके अलावा कुछ अदर कैटेगरीज uh, है क्रिमिनल uh, की Uh, the ninth one which I have mentioned is moralistic criminal and then uh, last but not the least juvenile delinquents. So look at the moralistic criminal, moralistic so there are those criminals activities which is against the morality of the society, which is immoral act, which is unethical, which has been uh, not acceptable by the society so look at the definition these criminals violate the rules recognized by the society these activities are immoral unethical and these behavior are not acceptable towards other people of The society, so which is against the social norms of our society, so these criminals and these people would be considered as moralistic criminal Examples means those people who are uh, operating in prostitution, those who are involved in adultery, homosexuality, pornography, gambling, etc. And last but not the least are juvenile delinquents. So, juvenile delinquents. ज्युवेनाल कहते हैं बच्चे को चाइल्ड को जिसकी एज वरी करती है फ्रॉम स्ट्रेट टू स्टेट एंड फ्रॉम लॉ टू लॉ लेकिन नॉर्मली 18 साल से कम उम्र बच्चे को ज्युवेनाल कहा जाता है और डिलिंक्वेंट जब एक जुवेनाइल क्राइम करे तो उसके क्राइम को डिलिंक्वेंसी कहा जाता है सो ही कंसिडर्ड एज अ डिलिंकुवेंट सो जुवेनाइल डिलिंक्ट क्राइम कमिटेड बाई चिल्ड्रन इसका जुवेनाइल डिलिंक्सी These children are generally under the age of 18 years. Age is determined by the law of different states. These childs usually commit crime due to their social economic condition. These child usually commit theft, fighting, drug trafficking, violation of traffic rules, especially etc. So they are juvenile delinquents. The crime which is committing by the child. So these children would be considered as juvenile delinquents. उनकी एज 18 साल से कम होती है लेकिन मैं यहाँ पर दोबारा मेंशन करूँ कि डिटरमानिंग द एज इज़ अप टू द स्टेट एंड इज अप टू द लॉ बट यूजुअली दो चिल्ड्रेन हुई डिलइंड सो दीज आर समीज ऑफ क्रिमिनल आई होप आप लोगों को इस लेक्चर की समझ आ गई होगी मज़ीद लेक्चर सुनने के लिए और समझने के लिए Uh, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी प्रेस करें ताकि मेरे अगले लेक्चर जो मैं अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप लोगों को आए एन यू फ्यू पीपल हैव एनी क्वेश्चन सो यू कैन आस्क मी क्वेश्चन इन बिलो कॉमेंट सेक्शन थैंक यू वेरी मच